हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग व्लॉग्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ पटेटो चीजी ब्रेड पेटीज और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही टेस्टी स्नैक्स है जो ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनता है, जिसे बच्चे खाना बहुत ही पसंद करते हैं। तो चलते हैं इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। स्नैक्स बनाने के लिए उबले और मैश किए हुए 1 कप आलू लेंगे, साथ में इसमें चॉप की हुई प्याज 1/4 कप, धनिया पत्ती 1/4 कप, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक स्वाद के अनुसार ऐड कर रही हूँ। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करके स्टफिंग तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने स्टफिंग को काफ़ी सिंपल तरीके से रखा है, आप चाहे तो इसे फ्राई किया हुआ भी स्टफिंग यूज कर सकते हैं। स्टफिंग तैयार है, अब इसे साइड में रख लेते हैं। अब चलते हैं बैटर तैयार करने। बाउल में 1 कप कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो इसके रिप्लेसमेंट में मैदा यूज कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 कप पानी ऐड करके बैटर को तैयार कर लेंगे। बैटर हमें यहाँ पे पतला रखना है। बैटर तैयार हो चुकी है, अब इसे साइड में कर लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। अब इसके ऊपर टमाटो केचप अप्लाई करेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसे जरूर बनाएं। सारे ब्रेड स्लाइसेस पे इसी तरह टमाटो केचप को अप्लाई कर लेंगे। अब इसके ऊपर मैंने जो पटेटो का स्टफिंग तैयार किया था उसे 1 टेबल स्पून स्प्रेड कर लेंगे। इस तरह से हमें स्प्रेड करना है, सारे ब्रेड्स की स्लाइसेस पे इसी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। अब इसके ऊपर मोजरेला चीज स्प्रेड करेंगे। ब्रेड पेटीज के अंदर जब चीज डालते हैं तो पेटीज बहुत ही अमेजिंग बनती है और हमारे बच्चे खुश होकर खा भी जाते हैं। अब यहाँ पे दूसरे ब्रेड की स्लाइसेस को टॉप पे इस तरह से रख लेंगे और हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। अब सारे स्टफ की हुई ब्रेड को 2 भागों में काट लेंगे। आप इसको अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं, जैसे ट्रायंगल शेप, स्क्वायर शेप, ये आपकी चॉइस पे है किस तरह का शेप रखना चाहते हैं। सारे ब्रेड्स को 2 भागों में कट कर लिया है, अब बारी है कोटिंग करने की। यहाँ पे मैंने जो कॉर्नफ्लोर का बैटर तैयार किया था उसे ली हूँ और साथ में ब्रेड क्रम्स। क्रम्स को मैंने पहले ही बनाकर रख लिया था। ब्रेड्स की 3 से 4 स्लाइसेस मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड करके एक फ्रेश क्रम्स बना लेंगे। स्टफ की हुई ब्रेड को कॉर्नफ्लोर बैटर के अंदर डीप करेंगे। उसके बाद ब्रेड क्रम्स को चारों तरफ से इस तरह से कोटिंग कर लेंगे। क्रम्स से कोटिंग करने पर स्नैक्स बहुत ही क्रिस्पी बनती है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लेक्स है तो उसका भी क्रम्स बनाकर यूज कर सकते हैं, या टोस्ट है तो उससे भी बनाकर यूज कर सकते हैं। सारे ब्रेड की कोटिंग हो चुकी है, अब चलते हैं डीप फ्राई करने। इसके लिए 200 ग्राम रिफाइंड ऑयल को मीडियम टू हाई फ्लेम पे गरम करने के लिए रख देंगे। मैंने ऑयल को पहले से गरम करने के लिए रख दिया था। अब एक एक करके ब्रेड्स को डीप फ्राई करने के लिए इसमें ऐड करेंगे। इसे हाई फ्लेम पे डीप फ्राई करना है। अब इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। सारे ब्रेड को सेम प्रोसेस से इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल पे जाकर सब्सक्राइब करें। गर्मा गर्म पटेटो चीजी पैटीज बनकर तैयार है। अब इसे सॉस या चटनी के साथ सर्व करेंगे। आप भी इसे बनाएं और फैमिली के साथ एंजॉय करें और कमेंट करके बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।